कॉमनवेल्थ गेम में भारत की शानदार शुरुआत। वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने जीता सिल्वर मेडल। वेटलिफ्टर संकेत के घरवालों ने जताई खुशी, कहा चोट के बावजूद देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, ये गौरव की बात है। वेटलिफ्टर गुरुराज पुजारी ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। 61 किलोग्राम कैटेगरी में दिलाया ये मेडल। पीएम मोदी ने संकेत और गुरुराज दोनों वेटलिफ्टर्स को दी बधाई, ट्वीट कर कहा भारत के लिए शानदार शुरुआत। तैराकी में श्रीहरि नटराज ने मेडल की बहाई उम्मीद, 100 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल में बनाई जगह। स्क्वाश में भारत के लिए अच्छी खबर, 14 साल की अनहत सिंह और अभय सिंह ने 32वें राउंड में बनाई जगह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की, गुयाना को 3-0 से हराया। भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को 5-0 से हराया, प्री क्वार्टर में पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स के बैडमिंटन में भारत ने श्रीलंका को 4-0 से हराकर मिक्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन के पहले मुकाबले में भारत के रेंकी रेड्डी और पोनप्पा ने श्रीलंका के खिलाड़ी को 21-14, 21-9 से हराया। दूसरे मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन ने श्रीलंका की निलुका करुणारत्ने को 21-18, 21-5 से हराया। भारत की शटलर आकर्षि कश्यप ने श्रीलंका की विदारा सुहासी को 21-3, 21-9 से हराया। बैडमिंटन के तीसरे मुकाबले में दिलाई जीत। बैडमिंटन के चौथे मुकाबले में भारत के सुमित और चिराग शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंडू और डायस को 21-10, 21-13 से हराया। सर्वधर्म सभा में एनएसए अजीत डोवल का बयान, कुछ लोग नफरत धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, देश की प्रगति के लिए एकता जरूरी है। अजीत डोवल की मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील, युवाओं को रेडिकलिज्म की तरफ जाने से रोकें, धर्म के नाम पर कब तक लड़ते रहेंगे। अजीत डोवल ने कहा देश के विकास के लिए एकता जरूरी, इससे सभी धर्मों को होगा फायदा। बैठक में काउंसिल के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की, कहा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पर भी लगे लगाम। नसीरुद्दीन चिश्ती ने सरतन से जुदा वाले बयान को गैर इस्लामिक बताया, कहा तालिबान सोच को खत्म करना होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी के बयान पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा हिंदुओं को बांटने की कोशिश में कोश्यारी। गवर्नर कोश्यारी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा मुंबई महाराष्ट्र का गौरव, शिवाजी की धरती पर सेवा करने पर रहेगा गर्व। कोश्यारी ने कहा था मुंबई से गुजराती राजस्थानी लोगों को निकाल दिया जाए तो फिर बचेगा नहीं कोई पैसा, फिर मुंबई नहीं रह जाएगी आर्थिक राजधानी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा राज्यपाल के अपने निजी विचार हैं, हम उनके बयानों का समर्थन नहीं करते। गवर्नर के बयान पर फडणवीस बोले हम राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं, महाराष्ट्र के विकास में मराठियों का बड़ा योगदान। संजय राउत ने ट्वीट कर जताया विरोध, गवर्नर के बहाने सीएम शिंदे पर साधा निशाना, लिखा थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो गवर्नर का मांगो इस्तीफा। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ रविवार को सड़क पर उतरेगी आदित्य ठाकरे की युवा सेना, गवर्नर कोश्यारी को हटाने की करेगी मांग। गवर्नर के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, केंद्र सरकार से कोश्यारी को हटाने की मांग की। गवर्नर कोश्यारी के बयान का एमएनएस ने भी जताया विरोध, राज ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा मराठी मानुष को मूर्ख ना समझें। गवर्नर कोश्यारी के बयान को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बांटने वाला बताया, प्रेसिडेंट से गवर्नर को हटाने की मांग की। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के विरोध में किया प्रदर्शन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा संसद में बहुमत के चलते बीजेपी सत्ता का अहंकार दिखा रही है, राजस्थान में अगर आज चुनाव हुए तो उखड़ जाएगी गहलोत सरकार, 148 सीटें जीत सकती है बीजेपी, 42 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। आज चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भी बदल सकती है सरकार, कांग्रेस के भूपेश बघेल की जगह बीजेपी के विष्णुदेव साय सीएम पद की पहली पसंद। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 सीटें 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। मध्यप्रदेश में पांचवीं बार सीएम बन सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, 119 सीटों के साथ बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में अकेले दम पर 134 सीटें जीत सकती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट को 41 और उद्धव ठाकरे गुट को 18 सीटें मिलने की संभावना। अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में बीजेपी की धमाकेदार वापसी, 182 सीटों में से 108 सीटें जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस को 55 सीटें मिलने का अनुमान। यूपी में अगर आज हुए चुनाव तो भारी बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार, बीजेपी को 292 सीटें और समाजवादी पार्टी को 94 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो घट सकती है ममता बनर्जी की सीटें, बीजेपी को होगा फायदा लेकिन दीदी के पास ही रहेगी सीएम की कुर्सी। पंजाब में अगर आज चुनाव हुए तो भी भगवंत मान बने रहेंगे सीएम, 117 सीटों में से 72 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी बनी रहेगी सबसे बड़ी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर वोटरों की पहली पसंद, बीजेपी को 47 और कांग्रेस को 17 सीटें मिलने का अनुमान। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर की प्रतिमा का किया माल्यार्पण, बीजेपी नेताओं के साथ नड्डा ने किया रोड शो। जेपी नड्डा ने कहा जेपी से प्रेरणा लेकर हम राजनीतिक सफर पर निकले हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ग्राम संसद कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा नहीं किया। महेंद्र भट्ट को मिली उत्तराखंड बीजेपी की कमान, पार्टी महासचिव ने जारी किया आदेश। बीजेपी ने यूपी और कर्नाटक में एमएलसी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, 11 अगस्त को होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कहा आज उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी, विजन 2047 पर पीएम ने की बात। पीएम मोदी ने राज्यों पर बिजली वितरण कंपनियों के बकाए का मुद्दा उठाया, कहा कंपनियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया। पीएम मोदी की राज्य सरकारों से अपील, बकाए का जल्द भुगतान करें, यह राष्ट्र निर्माण की बात है। दिल्ली में नालसा की ऑल इंडिया मीट में शामिल हुए पीएम, सीजेआई एनवी रमन्ना समेत देश के 1000 से ज्यादा जजों ने लिया हिस्सा।
जजों के सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अदालतों से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, हर देशवासी में न्याय का भरोसा जरूरी। बैठक में बोले सीजेआई रमन्ना, सामाजिक उद्धार के लिए न्याय बेहद जरूरी। सीजेआई रमन्ना ने कहा जिला न्यायालयों को मजबूत करना वक्त की जरूरत है, यहीं से कोर्ट के बारे में लोगों की धारणा बनती है। गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में मल्टी लेवल पार्किंग की आधारशिला रखी, स्कूल का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा का एनसीबी का सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ड्रग तस्करी को समाज के लिए खतरा बताया, युवा पीढ़ी को इससे बचाने की कही बात। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एनसीबी ने 4 अलग अलग जब्त किए 30,000 किलो ड्रग्स को किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोल मिनिस्टर को लिखी चिट्ठी, राज्य को जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध कराने की मांग की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगन्नाथ मंदिर के पास इंडियन कोस्ट गार्ड ने फहराया तिरंगा। जम्मू में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य बल को दी गई अंतिम विदाई, बाड़मेर में MiG-21 क्रैश में हुए शहीद। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भूटान के तीसरे राजा को दी श्रद्धांजलि, भूटान के आर्मी चीफ से की बात। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे भारत के नहीं होंगे आर्थिक हालात, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार। रघुराम राजन ने आरबीआई की नीतियों को सराहा, कहा इस वक्त पूरी दुनिया में है महंगाई, खाने पीने के सामान और ईंधन है महंगे। शनिवार को 35 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए, रविवार को है रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों को घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने की सलाह दी, कहा इससे बच्चों पर सही प्रभाव पड़ेगा। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवा पीढ़ी को देश का भविष्य बताया। एसएससी स्कैम के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हुए शामिल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर ईडी की पूछताछ, 50 करोड़ से अधिक कैश और करोड़ों के सोने को लेकर सवाल। यूपी के माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने सेशन कोर्ट में किया सरेंडर, 6 महीने से था फरार। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में से शीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को झटका, जमानत याचिका खारिज। बेंगलुरु में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, प्रवीण की हत्या से गुस्से में है कार्यकर्ता। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन पर बोले कर्नाटक के गृहमंत्री, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, जल्द उनसे करूंगा बात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। दिल्ली में नई शराब नीति वापसी पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया, ईडी सीबीआई की धमकी से डरे अफसर और दुकानदार। 1 अगस्त से दिल्ली के सरकारी दुकानों में ही मिलेगी शराब, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार के फैसले पर मनोज तिवारी ने कहा जनता की हुई जीत, चीनी माजा बेचने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त, 20 से अधिक गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का किया गलत इस्तेमाल, 90 से ज्यादा लोगों से ठगी का आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, प्रदेश में 9,053 एकड़ जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। लखनऊ में सीएम योगी ने बिजली सप्लाई सेंटर्स का किया उद्घाटन, कहा कई गांव ऐसे जहां आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। बिहार के कुछ स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मामला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शरिया कानून जैसा बताया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की बड़ी सौगात, 60 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर राज बहादुर ने दिया इस्तीफा, प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने मरीजों की खराब हालत देखकर उन्हें गंदे गद्दे पर लिटाया था। आईएमए ने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से बिना शर्त माफी और इस्तीफे की मांग की, सीएम भगवंत मान से तुरंत एक्शन लेने की मांग हुई। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा की हरकत को गलत बताया, कहा वीसी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रिनाउंड पर्सनैलिटी है। पंजाब कांग्रेस चीफ से मुलाकात के बाद रो पड़े वीसी डॉक्टर राज बहादुर, वरिंग ने बहाया ढांढस। इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने 5 में से 2 शव बरामद किए, विशाखापट्टनम के बीच पर बचाव और तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वानीगाम बाला में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। बेंगलुरु में तनाव को लेकर कमिश्नर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या मामले में शांति की अपील की। बरेली में कांवड़ियों के जत्थे पर समुदाय विशेष का हमला, कांवड़ियों पर फेंका गंदा पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई के मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज, पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर। रांची में जंगल से मिला एक नाबालिग का शव, 5 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में डिलीवरी बॉय का मर्डर, 3 लोगों ने चाकू मारकर की हत्या। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 40 लाख रुपए का सोना चांदी किया जब्त। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर बांसवाड़ा के पास लैंडस्लाइड, हाईवे को किया गया बंद। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश, ऋषिकेश में उफनाई गंगा नदी, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते अब तक 133 लोगों की मौत हुई, 450 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। देश में कोरोना के 20,408 पॉजिटिव केसेस, पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की गई जान। ब्रिटेन में पीएम चुनाव में लिज ट्रस्ट के पीएम बनने की संभावना, 90%। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की लोकप्रियता 10% घट गई। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले में फसलों में लगी आग, एक अधिकारी ने कहा हमारा सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।